उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में लगातार हुई बारिश के बाद से जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो वहीं रेलवे विभाग की भी मुसीबतें खड़ी हो गईं। रेलवे ट्रैक पर हुए जल भराव की वजह से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं जो ट्रेनें चल रही थी उनकी भी रफ्तार धीमी पड़ गई। रेलवे विभाग की टीमों ने लगातार मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक से पानी निकाला, तो वहीं रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल रेलवे ट्रैक से जो जलभराव था उसे बाहर कर दिया गया है, उस पानी को निकाल दिया गया है, लेकिन फिलहाल अब जो ट्रेनें हैं वो दुरुस्त हैं और सही समय पर चल रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जब भी मुरादाबाद में बरसात होती है सबसे पहले रेलवे ट्रैक पर ही जलभराव जैसी स्थिति हो जाती है, जिससे ट्रेनों की रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी पड़ती है। हालांकि रेलवे विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि रेलवे ट्रैक पर कोई जलभराव ना हो, इसके लिए वो पूरी तरह से भरसक प्रयासरत है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस मुसीबत से रेलवे विभाग को भी कब तक सामना करना पड़ेगा और कब तक आखिरकार इन मुसीबतों से दो चार होना पड़ेगा। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, खबर फास्ट, मुरादाबाद।